बना रहे आलू और बैंगन की सब्जी अलग तरीके से। आलू और बैंगन काट लिए हैं इस तरह से। इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। कढ़ी पत्ते से आलू लोगों की सब्जी में अच्छे टेस्ट आते हैं। ये सब मसाले किराना शॉप से लाया हुआ है और कुछ घर में बनाए हुए हैं। धनिया पाउडर घर में बनाई है। नमक भी इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार, जैसे आप सब्जी बना रहे हो ज़्यादा है। 1 चम्मच डालूंगा। दो हरी मिर्ची, लहसुन और उसमें पीस के भी ली डाल देंगे इसमें सारी सब्जी। इससे क्या होगा, मसाला अच्छे से भून जाएंगे और कुकर में बनाने से अच्छे से भूनेगी नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बैंगन क्या होता है, पानी पी लेता है फिर वो सब्जी टेस्टी नहीं आ सकती। मैंने 500 ग्राम बैंगन ली हूँ और 4 मीडियम साइज के आलू।
हमारा सब्जी भुज गया है अब अच्छे से, तेल छोड़ दिया है। इस तरह सब्जी बनाने से क्या मसाले अच्छे से भून जाते हैं तेल में और टेस्टी बनते हैं, कोई भी मसाला कच्चे नहीं रहते बैंगन में, क्योंकि पानी छोड़ता है ना। इसके लिए पहले बैंगन डालो उसके बाद भूजो तो अच्छी नहीं बनती, टेस्ट अच्छी नहीं होती। हम ऐसे ही बनाते हैं। भुज गई है अब इसमें एक गिलास पानी डालते हैं। डालेंगे पाव भाजी मसाला, आपका इच्छा जो ब्रांड के भी ले सकते, कोई भी ब्रांड। पाव भाजी मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बस एक सीटी बजाए, तैयार है। इसमें डालेंगे हरा धनिया, आप देख सकते हैं कितनी शानदार आलू बैंगन की सब्जी तैयार। शानदार सब्जी तैयार है आलू बैंगन की, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं।